हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कुछ दिन से यार मुझे आई फ्लू हो रखा था, इसीलिए जो है वो हमारा वीडियो नहीं आ रहा था। तो आज हम अपना जो एडिटोरियल आर्टिकल करते हैं उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है दलित क्रिश्चियंस एक्सक्लूजन बाय सोसाइटी चर्च स्टेट। तो अभी ये दलित क्रिश्चियन क्या है, आपको पता होगा कुछ लोग क्या करते हैं, जो शेड्यूल कास्टिस के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो उनका कास्ट है, रिलीजन है, उसको रिलीजन को कन्वर्ट करके वो क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन लोग हैं उसको क्रिश्चियन रिलीजन को जो है वो अपना देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि उनका जो स्टेटस है, लोग जो उनको अनटचेबल्स बोलते हैं, उनका जो है सोसाइटी में स्टेटस उतना अच्छा नहीं होता है, शेड्यूल कास्टिस का उनको स्टेटस मिलता है, ताकि उनसे वो जो है दूर जा सकें। ठीक है, उनका जो स्टेटस है वो अच्छा हो जाए, क्योंकि क्रिश्चियन लोग जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन आपको पता है जो ये हमारा जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन वगैरह है, वहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो हेडिंग का मतलब क्या है कि जो दलित क्रिश्चियंस हैं, मतलब जो शेड्यूल कास्ट से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन जिन्होंने अपनाया है क्रिश्चियन रिलीजन को, उनका जो एक्सक्लूजन किया गया है, सोसाइटी ने उसको एक्सक्लूड किया गया है, उनको दलित मानने से इनकार कर दिया, और चर्च स्टेट और जो चर्च है वहाँ पे भी उनका एक्सक्लूजन हो रहा है, और स्टेट जो हमारी कंट्री है वहाँ पे भी उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, मतलब बाहर निकाला जा रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लास्ट ईयर द यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमीशन हेडेड बाय ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णा टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग शेड्यूल कास्ट स्टेटस टू दलित क्रिश्चियंस। तो पिछले साल क्या हुआ था, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक कमीशन बनाया था जिसको हेड किया था हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं KG रामा बालाकृष्णा ने, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को जानने के लिए कि जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस है उनको वो हम दलित जो क्रिश्चियन हैं क्या उनको हम लोग दे सकते हैं, मतलब जो शेड्यूल कास्ट से क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हुए हैं तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि हम लोग उनको अभी भी जो है वो शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है वो दे सकते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसके लिए जो है वो कमीशन बनाया गया था। उसके बाद क्या है, रिसेंटली ए रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाई द तमिलनाडु असेंबली टू अमेंड द 1950 प्रेजिडेंशियल ऑर्डर इन दिस रिकॉर्ड। तो रिसेंटली क्या हुआ, एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव जो है जिसको अडॉप्ट किया तमिलनाडु की असेंबली ने, जो 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको अमेंड करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव लाया, द जस्टिस रागनाथ मिश्रा कमीशन 2007 रिकमेंडेड परमिटिंग दलित्स हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू अवेल ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स अंडर द सुप्रीम शेड्यूल कास्ट कोटा। तो जो जस्टिस रागनाथ मिश्रा कमीशन था 2007, उसने रिकमेंड किया था कि जो दलित लोग हैं, ठीक है, जो मतलब दलित लोग जो क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, उनको जो है बेनिफिट मिलना चाहिए, जो शेड्यूल कास्टिस का जो स्टेटस है वो मिलना चाहिए, वो उन्होंने रिकमेंड किया था। उसके बाद द फाइंडिंग्स अराइव्ड एट बाय डैश पांडे एंड वापना अपॉइंटेड बाय द नेशनल कमीशन ऑफ मिनॉरिटीज़। तो इस चीज़ की पुष्टि की थी, इस चीज़ को सही ठहराया था, जो वापना 2008 में जो कमीशन हुआ था जिसको नेशनल कमीशन ऑफ मिनॉरिटीज़ ने जो है वो किया था, अपॉइंट किया था, उसने इस चीज़ की जो है पुष्टि की थी, स्टेटेड दैट देयर इज़ नो कंपेलिंग एविडेंस टू जस्टिफाई डिनाइंग देम ऑफ सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट स्टेटस। उन्होंने बोला था कि ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि जो दलित क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिश्चियन आइडेंटिटी में कन्वर्ट हुए हैं, उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस ना दिया जाए, इसकी कोई भी जो है एविडेंस नहीं है जो इस चीज़ को सही ठहरा सके। तो उन्होंने भी यही बोला कि उनको जो है शेड्यूल कास्टिस का स्टेटस मिलना चाहिए। इट वॉज भीमराव अंबेडकर हु सेड टू द अनटचेबल्स हिंदुइज्म इज ए वेरिटेबल चेंबर ऑफ हॉरर। वेरिटेबल मतलब होता है रियल। तो भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि जो अनटचेबल्स हैं, जो शेड्यूल कास्टिस के जो लोग हैं, उनके लिए जो हिंदुइज़्म है ना, वो एक रियल चेंबर है हॉरर का, मतलब डरावना चेंबर है। इट वॉज टू एस्केप दिस हॉरर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट मिलियंस ऑफ हिंदू दलित कन्वर्टेड टू ए मोर एगलिटेरियन रिलीजियंस इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी। तो इसी चीज़ को, इसी हॉरर को, इसी डर को दूर करने के लिए, ताकि उनके स्टेटस को कम ना समझा जाए, उनके साथ भेदभाव ना हो, मिलियंस ऑफ जो इंडियंस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं
क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियनिटी वो अपना लेते हैं ताकि उनके पास भेदभाव ना हो। एग्लिटेरियन का मतलब होता है जिसमें इक्वल राइट्स दिए जाएं मैन और वुमेन को। इन दी होप ऑफ एस्केपिंग दी क्लचिस ऑफ कास्टिज्म एंड एक्सपीरियंसिंग दी इक्वालिटी प्रोमिस्ड बाय सच रिलीजन्स, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो, क्लचिंग का मतलब होता है चुंगल, ताकि जो चुंगल है जो कास्टिज्म उनके साथ होता है और उससे वो दूर हो सके और वो एक्सपीरियंस कर सके इक्वालिटी जो कि प्रॉमिस करते हैं वो रिलीजन्स जिनमें वो कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी। द बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस आर्टिकल इज़ दैट फंडामेंटल होप ऑफ इक्वालिटी द रीज़न बाय हिंदू दलित कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ये जो आर्टिकल है इसका मेन मुद्दा यही है कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो दलित लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं, वो इसीलिए कन्वर्ट होते हैं ताकि उनको इक्वालिटी मिल सके, हैज़ नॉट बीन रियलाइज टू ए लार्ज एक्सटेंट। लेकिन फिर भी ये जो मुद्दा है कि उनको इक्वालिटी मिले, वो अभी तक जो है उनको इस मतलब जो इक्वालिटी है वो नहीं मिल पाई है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद भी, उसके बाद भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन कॉन्ट्रोडिक्शंस एंड एम्बिग्यूटीज विद रिकॉर्ड टू देयर आइडेंटिटी। इससे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रोडिक्शन का मतलब होता है उल्टा होना और एम्बिग्यूटीज़ का मतलब होती है अस्पष्टता, अनक्लैरिटी। इससे क्या हुआ है, और ज़्यादा अनक्लैरिटी हुई है उनकी आइडेंटिटी को लेके जब से वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं, एंड हैज़ नॉट लेड टू देयर एक्सपेक्टेड अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, और ना ही जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उनका स्टेटस जो है ना ही वो ज़्यादा ऊँचा हुआ है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। This is also because of the unwillingness of their core religionist non-Dalits convert to Christianity should shed their age-old practice of untouchability in society and bring this into the church. ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि unwillingness का मतलब होता है ना चाहना, क्योंकि जो उनके core religion है वो ऐसा चाहते ही नहीं हैं, और जो non-Dalit convert हुए हैं Christianity में वो इसलिए हुए हैं ताकि जो उनकी ओल्ड एज प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की वो दोबारा से उसको शुरू कर सकें और उसको चर्च तक भी जो है वो ला सकें, ठीक है। तो जैसी उम्मीद की गई थी कि उनका सोशल स्टेटस चेंज हो जाएगा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद, वैसा नहीं हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शनल बर्डन्स। इंटरसेक्शनल का मतलब क्या होता है कि ये जो थ्योरी है इंटरसेक्शनैलिटी की, इसका मतलब ये है कि हर बंदा, जितने भी लोग हैं उनका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, मतलब उनके साथ अलग अलग तरीके से जो है वो भेदभाव होता है, उनका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है। द थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी, जिसकी मैंने बात की कि हर बंदे का अलग अलग तरीका है, उसके साथ अलग अलग तरीके से सोसाइटी में भेदभाव होता है, कोई काला है उसका उस कारण भेदभाव होता है, कोई छोटा है, तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है भेदभाव होने के। द थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी शोज़ द बिगर पिक्चर ऑफ दलित क्रिश्चियन। तो ये जो थ्योरी है ना इंटरसेक्शनैलिटी की, ये हमें एक बड़ा मतलब चित्र दिखाती है, पिक्चर दिखाती है दलित क्रिश्चियन लोगों की जो कन्वर्ट हुए हैं, और इनकी जो पहेली है, कॉनोड्रम का मतलब होता है ये जो पज़ल है, एज़ इट एलोज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्ट विद रिलीजन एंड ए कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दलित क्रिश्चियंस एट द लीस्ट एंड ए रिलीजियस मिनॉरिटी ग्रुप। तो ये हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग बताती है कास्ट की रिलीजन के साथ, और उसमें और ज़्यादा जो कंपोजिटर का मतलब होता है मिश्रण होना, जो दलित क्रिश्चियन है वो कैसे एज दलित हैं और कैसे उनको एक रिलीजियस मिनॉरिटी माना जाता है। तो ये पूरी चीज़ें हमें समझाती है थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी, जिसका ये कहना है कि एवरी पर्सन एवरी कम्युनिटी हैव देयर डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ इनइक्वालिटी, या फिर जो उनके साथ भेदभाव होता है। इट ऑल्सो एक्स्ट्रापोलेट्स, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है बताना, वो हमें ये भी बताती है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनएडिक्वेसी ऑफ सिंगल एक्सिस फ्रेमवर्क। ये हमें इनएडिक्वेसी होती है मतलब जो खामी है, जो क्षमता नहीं है हमारा जो सिंगल एक्सिस फ्रेमवर्क है, सिंगल एक्सिस मतलब सिर्फ एक चीज़ को देख के रूल बनाना, ऑफ हमारा जो लॉज हैं स्टेट के इंडिया के, उसका जो सिंगल एक्सिस मतलब सिर्फ एक चीज़ को देख के कोई कानून बनाना, दैट प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू आइसोलेटेड कैटेगरीज एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ग्रुप्स बियर कैटेगरीज ओवरलैप सच एज दलित क्रिश्चियंस। जैसे कि हमारे जो लॉज हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो प्रॉपर शेड्यूल कास्टिस हैं,
जो सोसाइटी ने जिनको आइसोलेट करके रखा है, अलग थलग करके रखा है दूसरे लोगों से, ना कि उन लोगों के जो कि ओवरलैप करते हैं, जैसे दलित क्रिश्चियन हो गए, मतलब वो दलित भी हैं क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट जिससे कन्वर्ट होकर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, तो उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। इट शोज दैट वेरियस ओप्रेसिंग सिस्टम सच एज रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड एबिलिटी कैनॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन फ्रॉम दी अदर। तो ये हमें बताते हैं कि जो भी ओप्रेसिव सिस्टम है, ओप्रेसिव मतलब जो उत्पीड़न करते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जैसे रेस हो गया, जेंडर हो गया, सेक्सुअलिटी हो गई, या फिर किसी चीज़ को एबिलिटी, किसी चीज़ को समझने की, वो उसको हम लोग समझ नहीं सकते दूसरे से अलग करके। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसको हम लोग आइसोलेशन में नहीं समझ सकते, मतलब सिर्फ एक चीज़ को कंसीडर करके नहीं समझ सकते, हमें मिक्सचर में इनको समझना होगा। सच सिस्टम ऑफ पावर इंटरसेक्ट विद वन अनदर। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, टू रिजल्ट इन डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल सोशल एक्सपीरियंस। और सबके साथ जो है वो अलग अलग सोशल एक्सपीरियंस रहता है, ओप्रेशन का, मतलब उत्पीड़न का, भेदभाव का। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय किम्बरले क्रेंशा। इन्होंने ही थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनलिटी की, जो कि पॉइनर है, मतलब जिन्होंने थ्योरी दी हुई है इंटरसेक्शनलिटी की, उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि सिर्फ एक चीज़ को कंसीडर करके हम लोग लॉ नहीं बना सकते, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस जो है वो रहता है डिस्क्रिमिनेशन का। इन हर सेमिनल आर्टिकल, उनका जो आर्टिकल था उन पर उन्होंने कहा था, मैपिंग दी मार्जन्स, मतलब जो मार्जन्स हैं, जो दरारें हैं हमारी सोसाइटी में, उनको उन्होंने दिखाते हुए बोला था, इंटरसेक्शनलिटी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी मतलब आपकी क्या वैल्यू है, क्या आइडेंटिटी है सोसाइटी में, एंड वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑफ कलर, शी राइट्स, बिकॉज ऑफ दियर इंटरसेक्शनल आइडेंटिटी एज बोथ वुमेन, वुमेन ऑफ कलर और मार्जिनलाइज्ड विद बोथ। तो कोई भी अगर औरत है तो उसको जो है उसका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है उसके डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है, जैसे उसका कलर क्या है, ठीक है, या फिर वो उसका उसको किस तरह से मार्जिनलाइज किया गया है सोसाइटी में, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं, उसका कलर भी, उसकी कास्ट भी। दिस डिस्क्रिप्शन हेल्प्स फॉर्म द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी एज ए फ्रेमवर्क टू स्टडी दी दलित एंड क्रिश्चियन एज दलित क्रिश्चियन। तो इस फ्रेमवर्क को यूज़ किया जाता है कि कैसे जो है वो दलित जो है वो दलित क्रिश्चियन बने, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ जो है वो भेदभाव जारी है। हु आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रक्चरल इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, देयर बाय एक्सपीरियंस एक्सक्लूजन बाय सोसाइटी, सोसाइटी ने उसको एक्सक्लूड कर दिया, चर्च ने उनको बाहर निकाल दिया, स्टेट ने उनको बाहर निकाल दिया, तो उनके साथ जो है वो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन रहा। अब हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शनैलिटी की और आइडेंटिटी की, मतलब पहचान की। आइडेंटिटी इज़ एन इंडिविजुअल्स क्लेम ऑफ मेंबरशिप विद सोशल कैटेगरीज एंड सोशल आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू वेरियस सोशल कैटेगरीज दैट एग्जिस्ट सोशली दैट आर इन फैक्ट इनपुट्स इनटू सेल्फ आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी क्या है, एक इंडिविजुअल का क्लेम है, उसकी जो मेंबरशिप रहती है, सदस्यता रहती है एक पर्टिकुलर सोशल कैटेगरीज में, ठीक है, और उसमें बहुत सारी सोशल कैटेगरीज आती हैं हमारी समाज में, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी क्या पहचान है सोसाइटी में। इट मस्ट बी स्टेटेड दैट लाइक इन द केस ऑफ ब्लैक वूमेन, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कोई एक काली औरत है, द टर्म दलित क्रिश्चियन कैनॉट बी अंडरस्टूड एज ए मियर एडिशन ऑफ टू वर्ड्स। तो अगर कोई और औरत जो है वो ब्लैक है, काली है, और वो दलित क्रिश्चियन है, तो सिर्फ उसको हम लोग दलित क्रिश्चियन नहीं बोलेंगे, ठीक है, बट रादर ए डिस्टिंक्ट कैटेगरी, उसको हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि वो दलित क्रिश्चियन तो है ही, लेकिन वो ब्लैक भी है। एज दिस इंटरसेक्शन इज़ यूनिक बाय हाइब्रिड क्रिएशन ऑफ मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज़, जिससे क्या होता है, हमारे समाज में मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज़ बनती हैं, मतलब आपका कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, हर तरीके से आपको जज किया जाता है। दी टर्म दलित क्रिश्चियंस इन पॉपुलर डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को व्याख्या करना, तो जो ये टर्म है दलित क्रिश्चियन, एक पॉपुलर डिस्कोर्स में इसको बताया गया था इस कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बताना, एज ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन मतलब होता है एकदम उल्टी,
एन इफेक्ट ऑफ इरोनिमस लॉजिक. इरोनिमस का मतलब होता है एक गलत लॉजिक, दैट क्रिश्चियनिटी डज नॉट रिकोगनाइज कॉस्टिज्म, कि जो क्रिश्चियनिटी है वो कॉस्टिज्म को रिकोगनाइज नहीं करती है, मतलब उसमें कोई भी कास्टिस नहीं है. एंड हैंस ए हिंदू दलित ओन कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, और जब कोई हिंदू दलित जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, सीज टू बी दलित, तब उसको दलित नहीं माना जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है. जब हमारे जो दलित लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है. दिस इज़ द एग्जैक्ट व्यू दैट द स्टेट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑन दलित क्रिश्चियन, और यही व्यू हमारी जो कंट्री है वो दलित क्रिश्चियन के ऊपर रखती है. इवन उसके बाद क्या है, इवन वाइल द डिसएबिलिटीज ऑफ दलित क्रिश्चियंस कॉन्टिन्यू आफ्टर कन्वर्जन एंड द स्टेट व्यूज दैम एज जस्ट क्रिश्चियंस, और उनकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं मतलब उनकी जो अक्षमता है वो अभी भी लगातार बनी हुई है, उनकी जो स्ट्रगल है, लेकिन स्टेट सिर्फ उनको एक क्रिश्चियंस के रूप में देखती है, इवेंचुअली पुशिंग दैम इनटू एन इंटरसेक्शनल इनविजिबिलिटी, और उनको एकदम इनविजुअल बना देती है, मतलब उनको शेड्यूल कास्ट कंसीडर नहीं करती है और टोटली क्रिश्चियन मान देती है, और उनको कोई भी फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिलती हैं जो दलित लोगों को मिलती है. अमर्त्या सेन एक्सप्लेन्स दिस एज ए कलेक्टिविटीज़ ऑफ आइडेंटिटीज़. अमर्त्या सेन ने इसको बताया था कि ये कलेक्टिविटीज़ है, मतलब इकट्ठा होना अलग अलग आइडेंटिटीज़ का. उसके बाद टू विच ए पर्सन कैन बिलोंग टू, जिसमें पर्सन बिलोंग करते हैं, प्रोवाइडिंग ए पर्टिकुलर आइडेंटिटी दैट बिकम्स वेरियसली रेलिवेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, और क्या करना, प्रोवाइड करना सबको एक रेलिवेंट आइडेंटिटीज़ से जो कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट है. ही पॉइंट्स आउट दैट द प्रायोरिटीज ओवर दीज आइडेंटिटीज़ मस्ट बी रिलेटिव टू द इशू एट हैंड. उसने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था, बताया था कि जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, मतलब जिस चीज़ को हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर, वो जो भी इशूज़ हैं हैंड में उसके हिसाब से उसको देखना चाहिए. मतलब क्या जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं क्या उनके साथ भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है. Adding that a person can choose a dominant one from such a plurality of identities to avail of a benefit. तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि person जो है वो benefit ले सकता है, अगर वो दलित से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ है तब भी वो जो उसका सोशल स्टेटस था, जो पहले उसका स्टेटस था दलित का, उसके वो बेनिफिट ले सकें. अब हम लोग बात करेंगे सिंगल एक्सिस फ्रेमवर्क, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक सिंगल सोच लिखी गई है कि जो शेड्यूल कॉस्टिस हैं सिर्फ उनको बेनिफिट्स मिलेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. एक केस था सोसाई एटक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो 1985 का केस था सोसाई का, जिसमें एक जो दलित कैथोलिक शू मेकर था जो जूते बनाता था, वो सुप्रीम कोर्ट में गया फॉर एन एक्सटेंशन इन सेटिंग अप ए कियोस्क ऑन ए प्लेटफॉर्म इन मद्रास. उसने एक्सटेंशन मांगा कि एक कियोस्क मतलब होता है एक दुकान, एक खोखा जैसा खोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मद्रास में. उसने इस चीज़ के लिए एक्सटेंशन मांगा प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सो दैट ही वाज ऑन ए पार विद हिंदू शू मेकर्स, ताकि जो हिंदू शू मेकर शू बनाते हैं उसके साथ वो मतलब कम्पीट कर सके. द कोर्ट डिसमिस द केस, लेकिन कोर्स ने इस केस को डिसमिस कर दिया, स्टेटिंग दैट इट इज़ नेसेसरी टू एस्टेब्लिश फर्दर दैट द डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप सफर्ड फ्रॉम सच कास्ट मेंबरशिप इन द सोशल ऑर्डर ऑफ इट्स ओन हिंदुइज्म. तो कोर्ट ने इस चीज़ को डिसमिस कर दिया ये बोल के कि जो हमारा हिंदुइज्म है उसमें जो लोग हैं, जो हैंडीकैप्स हैं, जो डिसेबल लोग हैं, वो उनको खुद से ही जो है वो डिस्क्रिमिनेशन मिलता है उनके खुद के लोगों से, और कंटिन्यू टू देयर ओप्रेसिंग सेवरिटी इन द न्यू एनवायरनमेंट ऑफ ए डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज. और वो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो ओप्रेशन जो है, उत्पीड़न जो है वो फेस करते हैं. दिस मीन्स दैट द दलितनेस ऑफ सोसाइटी वॉज कम्प्लीटली इग्नोर्ड. ये हमें बताता है कि जो दलितनेस थी, जो दलित था, उसको इग्नोर कर दिया गया एक सिंगल फ्रेमवर्क अप्रोच के थ्रू. आशीष नंदी आर्ग्यूज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्सक्राइब्स टू द आइडिया दैट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन हिंदुइज्म. तो जो आशीष नंदी थे उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो हिंदू सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, सिखिज्म बुद्धिज़्म में भी एग्जिस्ट करता है, एंड एक्सटेंड्स बेनिफिट्स टू इट्स दलित, और दलित लोगों को भी इसके बेनिफिट मिलते हैं, बट एक्सक्लूड दलित क्रिश्चियन ऑन द बेसिस ऑफ एन अज्यूम्पशन दैट क्रिश्चियनिटी इज ऑफ ए फॉरन इम्पोर्ट. लेकिन जो दलित क्रिश्चियन हैं उनको इसके बेनिफिट नहीं मिलते हैं, इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि उनको जो है
बोला जाता है कि एक फॉरेन रिलीजन है जिसको इंपोर्ट किया गया है फॉरेन से, मेकिंग देयर वेरी डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप क्वेश्चनेबल, और उनकी जो सिटीजनशिप है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। दस द सिंगल एक्सिस कॉम्युनल फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ रिजल्टेड इन द फेलियर ऑफ दलित क्रिश्चियन बीइंग इंक्लूडेड इन द शेड्यूल कास्ट लिस्ट। तो ये जो सिंगल फ्रेम अप्रोच है उससे क्या हुआ है, हम लोग फेल हो गए हैं कि जो दलित क्रिश्चियन हैं उनको शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड किया जाए, बिकॉज ऑफ द अनविलिंगनेस ऑफ द स्टेट, क्योंकि हमारी कंट्री ऐसा नहीं चाहती है, इन स्पाइट ऑफ मच एविडेंस इन देयर फेवर, लेकिन बहुत सारे एविडेंस जो है वो उनके फेवर में है। हालांकि ए वे फॉरवर्ड लाइज इन द अमेंडमेंट ऑफ द 1950s प्रेसिडेंशियल ऑर्डर टू इंक्लूड दलित क्रिश्चियन इन द शेड्यूल कास्ट लिस्ट। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसको अमेंड किया जाए और दलित क्रिश्चियन को जो है वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में लाया जाए। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसकी वजह से मैं डाल नहीं पाया पुराने आर्टिकल्स, एक बार इसको खुद से पढ़ लेना। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब डेली मेरा रात को वीडियो अपलोड होगा, तो कॉन्टीन्यूसली इन लेक्चर्स को देखो, प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखो, जो मैंने प्लेलिस्ट जिनकी बनाई हुई है तो उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।